फाइनली फ्रेंड्स रानीखेत पहुंचने वाले हैं। ये देखिए बादल नीचे और हम ऊपर हैं बादल हो गए। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, मैं दोबारा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉगों में बोला था कि हम जो है उत्तराखंड राइड पर जा रहे हैं और उस खूबसूरत घड़ी का जो लम्हा है वो आ गया है और आज से हम निकलने वाले हैं उत्तराखंड राइड पर। और पहले हम जाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाले हैं। और इधर है मेरे भाई लोग पूरे गाँव के और हमने अरदास करा लिया गुरुद्वारा से, बाबा जी से बोलकर अरदास करवा के अब हम रवाना होने वाले हैं श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की तरफ, तो बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स भाई लोग सारे मोटरसाइकिल रेडी करके सामने खड़े हैं और अभी हम रवाना होने वाले हैं श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और अभी हम जाएंगे पहले गोविंद घाट और गोविंद घाट पे वहाँ पे हमारे बैग वगैरह जो लगेज वगैरह हैं ये जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम रवाना होंगे पैदल यात्रा पर, जो कि आपको पता ही है कि गोविंद के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं रामनगर और यहाँ से अभी हम रानीखेत के लिए निकलेंगे। और काफ़ी सुंदर एक दृश्य है, पहाड़ है चारों तरफ, बहुत मज़ा आने वाला है। और जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अभी निकलते हैं हम रानीखेत की तरफ और ये कुछ नज़ारा है रामनगर का। फाइनली फ्रेंड्स हम एंटर होने वाले हैं पहाड़ों में और सुंदर नज़ारा, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बारिश का मौसम बन रखा है फिलहाल और ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। स्वेटर वेटर पहन रखी है फिलहाल हमने और यहाँ से स्टार्ट हो गया लो जी मोड़ों वाला खतरनाक इलाका। यहाँ से मोड़ ही मोड़ होंगे, लेफ्ट राइट वाला सीन है, बस जिगजैग। बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ लाइन है, कोई पता नहीं है, गाड़ी का बहुत आगे से खतरा रहता है। अगर हम सेफ चल रहे हैं, कोई पता नहीं आगे वाला सेफ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है एकदम। और रात तो मैं हमको ऐसा लग रहा था कि हम सुबह यात्रा पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा प्लान था कि सुबह हम 4 बजे निकल जाएंगे घर से, और क्या हुआ कि रात पड़ गई बहुत तेज़ बारिश। जैसे कि आपको पता होगा उत्तराखंड में बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा हो ही जाता है, आपको पता ही है कि जब बारिश पड़े तो ऐसे लगता है कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है। तो फिर एकदम बारिश रुक गई, फिर सुबह फ़ोन किया भाई लोगों को, भाई लोग तैयार हो गए थे, मैंने भी अपना नहाया धोया, सीधा गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा से हमने जो है अरदास कराई बाबा जी से और निकल गए यात्रा के लिए। और यहाँ देखिए झंडा केसरी के, सुबह सुबह हमने चाय पिए, एक मस्त चाय पी के खड़े हैं और ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं। देखिए की ऐसी सीट है कि बंदा ना 10 किलोमीटर ना बैठ पाए। और इन्होंने कंबल लगा के, तकिया तकिया लगा के जुगाड़ कर लिया अपना मस्त। और ठीक है, पीछे वाला आदमी देखना कितनी ऊपर बैठा है और आगे वाला देखना कितनी नीचे बैठा है, सुंदर नज़ारा देखिए फ्रेंड्स कितना। इधर ये पहाड़ों में आने का अलग ही एक मज़ा होता है, जिगजैग रास्ते होते हैं, बस भगाए जाओ अपना आगे से देखते जाओ, भगाओ मतलब उस हिसाब से भगाओ कि कंट्रोल कर सको। भगवान की ऐसी कृपा रही है अभी तक, तो सबसे छोटी मोटरसाइकिल मेरी है ग्रुप में और सबसे आगे यही है, ये पता नहीं क्या बात है, पता नहीं भगवान की कोई माया है या कुछ और बात है, लेकिन जो भी बात है अच्छी बात है। और रास्ते में बड़ा मज़ा आ रहा है और ठंडा मौसम हो रहा है एकदम, स्वेटर वेटर हमने पहन रखी है दबा के और नाक भी बंद होने लग गया ठंड से। रास्ते बड़े प्यारे हैं और लोकेशन भी बहुत प्यारी है फ्रेंड्स, इधर देखिए लोकेशन। हाँ हाँ
ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में मिलेगा देखने को, और ज़्यादा किसी के व्लॉग्स में नहीं मिलेगा। ये देखिए UK01 UK नंबर गाड़ी है, और रोड इतनी प्यारी है ना, पहले रोड सभी टूट रखी थी और ये रोड अब बनी है। लोकेशन देखिए, सामने खेत देखिए, आपको दिख रहे होंगे तो कैमरे में, मेरे को तो नहीं लग रहा वैसे दिख रहे होंगे, लेकिन काफ़ी प्यारे हैं खेत भी। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है, और वाटरफॉल्स तो बेहिसाब है, लेकिन इस बार वो सूख रखे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। देखिए एक ये वाटरफॉल था, ये भी सूख रखा इस बार, और इधर भाई लोग आ रहे हैं, कितने सुंदर ऐसा दृश्य आपको दिखने वाला नहीं है। और ये देखिए कुछ लोकेशन ऐसा, भाई लोगों रोक रहे, भाई लोगों आनंद आ रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स रामी खेत पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए बादल नीचे और हम ऊपर हैं बादल हो गए, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, फिर दोबारा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। बादल कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, और ये हसीन वादियाँ जो उत्तराखंड की, आ हा हा हा, मज़ा आ गया यार कसम से। रास्ते भी मतलब इतने ख़राब नहीं है, रास्ते भी ठीक ठाक है, और मतलब कि बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, ये जो रास्ते है ना, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है इन रास्तों पर। तो ज़्यादातर हमारे जो ड्राइवर है वो पटेंटी है, पहाड़ लाइन वाले ही हैं, तो ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। और हम अभी पहुँचने वाले हैं रानीखेत यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आपको मिलते हैं हम रानीखेत, और ये पहाड़ चेक करिए एक बार यार, ये जो पहाड़ है ना, ये बड़े मस्त लग रहा है कसम। देखिए फ्रेंड्स कैसे बादलों के ऊपर हम, बहुत मजा आ रहा है। वहाँ पे पहाड़ भी है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा साहिब में, और वहाँ का कुछ नज़ारा होगा, मज़ा आ जाएगा वहाँ का नज़ारा देख के। आप भी बोलोगे कि हाँ भाई जन्नत है यार, ये जन्नत ये हसीन वादियों के बीच में, हाँ 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 हाँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। चेक दिस सनराइज, तो फाइनली फ्रेंड्स हम जो हैं विद्रोत खान से करीबन आधा किलोमीटर आगे आ गए हैं, और कुछ भाई लोग पीछे रुके हैं, और हम लोग इधर आगे रुके हैं, और भाई को थोड़ा सा है जो काम ख़राब हो गया इनका, इनको आ रही है उल्टी, तो उल्टा हो गया इसका। हाँ और लोकेशन चेक करिए फ्रेंड्स कितनी मस्त लोकेशन है, और इस मस्त लोकेशन पे हम रुके हैं यहाँ पर, है लोकेशन चक्को। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये पेड़ पता नहीं काहे काहे के आए, बड़े मस्त मस्त पेड़ है, ये कहते हैं हरे को आग लगाएं हरा पेड़ जल जाता है, है ना जुगल भाई? हाँ जी जी है जी, चीड़ का पेड़ है ना जी। लोकेशन चेक करो, तो चलिए आपको मिलते हैं अभी रानीखेत में। फ्रेंड्स लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है, और धूप भी निकली है, और बादल भी एकदम आगे से आ जा रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं कभी आ जा रहे हैं। रिकमेंड कर
एक्सप्लोर करिए, बहुत धाम है, बहुत गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़े बड़े और भी बहुत चीज़ें हैं घूमने लायक हैं। तो आप कभी भी हो सके तो उत्तराखंड में विजिट जरूर करें, बहुत मज़ा आएगा आपको सही में। पहाड़ देखिए, सामने आपको बादल जो दिखाई दे रहा है अभी, ये बादल आपको नीचे दिखाई देगा, फिलहाल हम बादलों के ऊपर ही हैं। आगे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर निकलेंगे आगे के लिए, क्योंकि भूख की वजह से कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है बीच बीच में, तो इससे अच्छा कि पहले नाश्ता वगैरह करके उनको दवाई खिलवा के फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि आपको पता ही है मूवमेंट वगैरह जो है पहाड़ लाइन में हो ही जाती है। तो इसलिए हमारे भाई लोगों को कुछ को मूवमेंट वगैरह हो रही है, तो उसके लिए पहले नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि हम सुबह 4 बजे जब निकले थे घर से तो हमने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, खाली चाय पी थी, उसमें आपको पता है क्या होता है, तो खाली चाय पी के हम निकल गए थे। और लोकेशन चेक करिए, बहुत मज़ा आ रहा, हर एक मोड़ पे अलग लोकेशन मिलेगी, हर मोड़ पे अलग लोकेशन, और रास्ते भी ऐसे zigzag वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा फ्रेंड्स फिलहाल तो, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और धूप भी निकली है, ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए ऐसे छोटी छोटी शॉप जैसी है, और फ्रेंड्स पेड़ भी काफ़ी है, देखिए पेड़ कैसा बैगनी कलर का पेड़ है ये, और भी बहुत सारे पेड़ हैं, गुलाबी, हरे, पीले, नीले, हरे, कुछ सारे पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स अभी भाई लोग कुछ आ रहे हैं और यहाँ पे हम रुके हैं, ये लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है। और भाई लोगों कैसे हो? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है फुल, आ रहा फुल मज़ा। और भाई लोग भी यहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और पुल देखिए कितनी पुरानी पुल है ये, और नीचे का सीन देखिए, लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है, मज़ा आ रहा है भाई साहब। हेलो, और ये कार जा रही है देखिए फ्रेंड्स, ये है अंग्रेजों के ज़माने की पुल, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और डिजाइन देखिए इसका कुछ अलग ही डिजाइन है ये। और भाई लोग गए हैं इधर, और नई पुल देखिए, और ये बनी है नई पुल सामने देखिए, और ये अभी कुछ टाइम पहले बनी है, ये देखिए 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी है ये पुल। और भाई लोग इधर हैं, 11 करोड़ रुपया लगा भाई, और ये देखिए भाई लोग फुल मज़े ले रहे हैं, और नीचे पानी देखिए कितना सुंदर आ रहा है, मतलब कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है, और काफ़ी गहरा पानी है ये, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नहाने का बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन अभी नहा नहीं सकते ना, अभी हम जा रहे हैं इसलिए। और लोकेशन चेक करिए कितनी मज़ेदार लोकेशन, सामने देखिए, और वो उधर से हमने ऐसे आना है, वो सामने आपको बाइक दिख रही होगी सामने देखिए, ये देखिए दिख रही है ना, वही रास्ते से हमने यहाँ से इधर इधर घूम घाम के इधर को, ये देखिए फिर ये पुल से इधर को जाना है, मतलब जो भी है मज़ेदार सीन है।